पिछले 25 वर्षों में भारत में हृदय संबंधी बीमारियों के कई मामले सामने आए हैं। भारत में अधिकांश बीमारियां हृदय संबंधी रोगों की वजह से होती है। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश स्वस्थ भारत प्रसन्न भारत। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर NN खन्ना, जो की इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है और साथ ही एडवाइजर है अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में। डॉक्टर NN खन्ना, आपका हिंदी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आजकल युवाओं में काफी ज्यादा हार्ट संबंधित इश्यूज आते जा रहे हैं, इनके पीछे का कारण क्या है? 30 से 40 की उम्र में जो लोग हैं उन्हें हार्ट अटैक जैसे इश्यूज हैं, क्यों हो रहे हैं ऐसी चीजें? ये एक बड़ा विडंबना है कि हमारे देश में एक तो सबसे ज्यादा युवा पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, बट सबसे ज्यादा हार्ट अटैक और हार्ट की बीमारियां यंग एज में हो रही है। तो एक अच्छी चीज नहीं है देश के लिए, क्योंकि हमारी बड़ी प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो खत्म हो रही है नेशनल लेवल पे। ये इसलिए हो रहा है कि एक तो हमारी जीन्स जो हैं, हिंदुस्तानी आदमी के जीन है, वो सबसे ज़्यादा खराब है हार्ट डिजीज़ होने के लिए। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि यही चीज़ आज से 100-150 साल पहले यंग उम्र में नहीं होती थी। वो इसलिए नहीं होती थी कि हमारा जो रोज का लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छा होता था, जो इन जीन के एक्सप्रेशन को रोकता था। अभी क्या हो गया है कि वेस्टर्नाइजेशन हो गया है, खाने पीने में काफ़ी ट्रांसफैट्स आ गए हैं, स्मोकिंग काफ़ी हो गई है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत हो गया है, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गई हैं और यंग एज में बड़ी एग्रेसिवनेस आ गई है और हर चीज़ बहुत जल्दी पाने की जो इच्छा है उससे इतना बॉडी में कैटाबॉलिक रिस्पॉन्स होता है, एड्रेनलिन सीक्रेट होती है, कि ये सारी चीज़ें मिला के एक डायबिटीज़ प्रोड्यूस करती हैं, हार्ट अटैक प्रोड्यूस करती हैं, ब्लड प्रेशर प्रोड्यूस करती हैं और मानसिक तनाव करती हैं। ये सारे फैक्टर मिलके बहुत यंग एज में हार्ट अटैक्स कर रहे हैं, नॉट ओनली मतलब आदमियों में बट ऑल्सो लेडीज में, इवन गर्ल्स में ये हार्ट अटैक्स आ रहे हैं आजकल। सर, क्या ऐसा भी कुछ होता है कि कुछ लोगों में हार्ट डिजीजेज आने के ज्यादा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू अदर जो बाकी के लोग हैं? कुछ लोगों में ज्यादा चांसेस है कि उन्हें हार्ट डिजीजेज होंगी? हाँ, डेफिनेटली, जिसके घर में हार्ट की बीमारी है, जिनके पेरेंट्स को हार्ट अटैक हुआ है, उनको काफ़ी ज़्यादा चांस है कि उनको हार्ट अटैक आएगा या हार्ट की बीमारी आएगी। और ये देखा गया है कि जैसे किसी के पेरेंट्स को 80 साल की उम्र में अटैक आया तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन को 70 साल पे आएगा, उनकी नेक्स्ट जनरेशन को 60 साल में आएगा। तो ये एक पैटर्न होता है जेनेटिक। इसके अलावा उन फैमिलीज में जिनमें डायबिटीज़ होती है, जिनमें ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, जिनमें पॉल्यूशन काफ़ी होता है या घर में कोई स्मोक करता है या कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा होता है, उनमें ज़रूर उनके हार्ट अटैक आएगा, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर है। अगर मेरे जीन्स में है कि हार्ट डिजीजेज होने मेरी जीन्स में है, तो क्या कोई तरीका है जिससे मैं बच सकूं, मुझे वो चीज़ें ना हो? डेफिनेटली, जीन्स में तो ऑलमोस्ट ये तक कहा जाता है इफ यू आर एन इंडियन यू आर प्रीडिस्पोज्ड टू हार्ट डिजीज। जीन्स तो हम लोग की इतनी ख़राब है, तो जीन्स में तो है बट तरीके वही हैं जैसे हमारे बाप दादा और परदादा लोग रहते थे। अगर हम उस तरीके से रहेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। कुछ फैक्टर्स आज हमारे हाथ में हैं, कुछ नहीं है, जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमारे हाथ में बहुत नहीं है, लेकिन इसके अलावा सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं। हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सरसाइज लेवल बढ़ा सकते हैं, अपना तनाव कम रख सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल रख सकते हैं, अच्छे फूड खा सकते हैं जो ट्रांसफैट में कम हों, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हों। और अगर एक लाइन में मुझे बोलना हो तो जितना आप नेचर के पास रहोगे उतना आप इस बीमारी से दूर रहोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जीन्स। जीन्स तो रहेंगी वैसी बट उनका एक्सप्रेशन रुकेगा, बिकॉज जीन ऐसी नहीं होती है कि एक जीन पूल होता है। देर आर जीन्स विच आर बैड एंड प्रोड्यूस हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज, देर आर जीन्स विच विल प्रिवेंट दिस। दोनों का बैलेंस जरूरी होता है। जिस जीन को आप जैसा एनवायरमेंट दोगे वैसा एक्सप्रेशन होगा उसका। सर, सरकार काफी ज्यादा कदम उठाती है लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, तो आप भारत सरकार से क्या क्या उम्मीदें करते हैं कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि लोग स्वस्थ रह सके? देखिए, सरकार तो अपनी लेवल पे दो तरीके से कर रही है काम। एक तो है हार्ट अटैक हो तो उनका प्रिवेंशन, उनका अर्जेंट ट्रीटमेंट के लिए कि लाइफ बचे, उसमें तो सरकार प्रदेश की भी और सारे प्रदेशों की और सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफी एक्टिवली काम कर रही है कि कहीं भी कोई जाए हार्ट अटैक का पेशेंट हो उसको फौरन इलाज मिलना चाहिए एज लाइफ सेविंग मेजर, भले उसके पास पैसा हो या ना हो। देन उसके बाद बहुत सारी स्कीम्स होती हैं आजकल, प्राइवेट हॉस्पिटल भी और पब्लिक हॉस्पिटल भी इलाज फ्री में करते हैं। दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट को जो दूसरी लेवल पे एक्ट कर रही है वो अवेयरनेस का कर रही है कि कैसे हार्ट अटैक अगर हो तो उसके क्या सिम्टम हो और कैसे एक एम्बुलेंस अरेंज हो या कैसे नियरेस्ट हॉस्पिटल के पास जाओ या
किसी को कार्डियक अरेस्ट हो तो आप देखोगे सरकार काफी पब्लिसाइज कर रही है सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिटेशन की, अगर या बेसिक लाइफ सपोर्ट या एडवांस लाइफ सपोर्ट की, आप मॉल में हो या आप पब्लिक प्लेस में हो या रेलवे स्टेशन में हो या मेट्रो स्टेशन में हो, किसी का हार्ट अगर रुकता है एकदम से तो कैसे मसाज ली जाए, कैसे उसको रिवाइव किया जाए, ये पब्लिक स्कूल लेवल पे सिखाया जा रहा है। तो एक तो ये है सरकार का काम करने का तरीका। दूसरा ये है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में सरकार की काफी स्कीम्स हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल की स्कीम्स हैं, डायबिटीज कंट्रोल की स्कीम्स हैं, मोटापा ना हो उसके लिए काफी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव चल रहे हैं, खाने पीने में क्या वार्निंग दी जाए कि फास्ट फूड को डिस्करेज किया जाए, स्मोकिंग कैसे बंद करी जाए, ये सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है। बट मेन इनिशिएटिव इससे नहीं होगा, मेन इनिशिएटिव हर आदमी को, हर फैमिली को लेना है कि अपने बच्चों को कैसे इन बीमारियों से बचाएं, कैसे एजुकेट करें, कैसे उनकी लाइफस्टाइल को बदलें, क्योंकि ये बीमारी शुरू होती है 6, 7, 8 साल, 10 साल की उम्र से और धीरे 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 बढ़ती रहती है। अगर इन्वायरमेंट खराब मिला, लाइफस्टाइल खराब है, तो 20-30 साल की उम्र में ही मैनिफेस्ट करती है, नहीं तो 50 साल, 40 साल, 60 साल की उम्र पे करती है। तो अगर प्रिवेंशन करना है तो प्रिवेंशन चाइल्डहुड से करना है और इसमें फैमिली एजुकेशन, फैमिली इंटरवेंशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। सर, आज की जो हमारी लाइफ है वो काफी ज्यादा बिजी है, हर कोई अपने काम पे ज्यादा फोकस्ड है, अपनी हेल्थ को पीछे देखता है। लोग कहते हैं कि हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में इतना ज्यादा काम कर लेते हैं कि हम वैसे ही फिट है, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत है कि हेल्थ पहले है तो आप काम कर सकते हैं। अगर आप काम ज्यादा करेंगे और हेल्थ को पीछे करेंगे तो एक दिन आपकी हेल्थ खराब होगी और काम वाम सब सफर करेगा। तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप ना अपना काम कर सकते हैं, ना अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं, ना इफ यू आर अ डॉक्टर ना अपने मरीज को हेल्दी रख सकते हैं। तो ये एक बहुत गलत परसेप्शन है और ये भी एक माइंडसेट गलत है कि अगर हम काम को अपनी हेल्थ से ज्यादा देते हैं तवज्जो और हम सारी फैमिली को दिखाना चाहते हैं कि हम बिल्कुल काम ही काम करते हैं, पूरी फैमिली के लिए कर रहे हैं और हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जब तक आप अपने लिए नहीं करेंगे तो ना आप फैमिली को देख सकते हैं, ना आप काम अच्छा कर सकते हैं। आज इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो इस बात से आप क्या कितने सहमत हैं? ये फैक्ट है, डायबिटिक कैपिटल वर्ल्ड का इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है इंडिया में है। बट ये बहुत दुख भरी बात है कि हम इसलिए जाने जाते हैं कि हम डायबिटिक कैपिटल हैं, हम हार्ट डिजीज के कैपिटल हैं, हम हाइपरटेंशन के कैपिटल हैं, हम ट्यूबरकुलोसिस के कैपिटल हैं। तो दैट वे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि हमारे जितने मरीज हैं वो किसी किसी कंट्री की एंटायर पॉपुलेशन से ज्यादा हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है बट ये सही बात है। और इसीलिए एक नेशनल लेवल पे, एक गवर्नमेंट लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे और फैमिली लेवल पे, हर लेवल पे इंटरवेंशन की जरूरत है। और गवर्नमेंट ने काफी अच्छी चीजें करी हैं, जो आयुष स्कीम निकाली है, मिनिस्ट्री निकाली है, वो काफी अच्छा काम कर रही हैं इसको कंपोजिट हेल्थ केयर के लिए और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए, कि अगर आप बीमारी को बचाएं तो आप करीब करीब 90% लोगों को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हो गई तो मुश्किल से आप 10 लोगों को उसको फायदा कर सकते हैं क्योंकि बीमारी एडवांस हो चुकी है काफी। देश की जो 70% जनता है वो गांव में रहती है, लेकिन जो बेटर हॉस्पिटल्स हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, वो शहरों में होती हैं, तो गांव के लोग उस तक कैसे पहुंचेंगे, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? दो चीजें हैं, एक तो गवर्नमेंट आज काफी काम कर रही है कि गवर्नमेंट में ये प्राइमरी केयर की फैसिलिटी अवेलेबल हो, या इन हार्ट अटैक हो अगर तो वहाँ बहुत ऐसी इमरजेंसी दवा दी जा सके समय रहते, गाँव की लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट की लेवल पे। गवर्नमेंट ये दवाएं फ्री कर रही है, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रेन कर रही है डॉक्टर्स को और एक एम्बुलेंस नेटवर्क बना रही है जिससे कि कहीं भी किसी को प्रॉब्लम हो तो नियरेस्ट सिटी हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके वो दवा लगवा ले। इसके अलावा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों का इनिशिएटिव है कि एक टेलीमेडिसिन के जरिए एक अर्ली डायग्नोसिस हो, मरीज का ECG वहीं गाँव के लेवल पे हो, फोन या इसके कंप्यूटर के थ्रू वो ECG ट्रांसमिट हो, डॉक्टर एडवाइस दे और वहीं की वहीं दवा लग जाए। ऐसे करने से हम 50-60% लोगों की जान बचा सकते हैं। इसके अलावा ये इशू डेफिनेटली है कि बड़े अस्पताल स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल शहर में ज्यादा हैं, डॉक्टर्स जो वेल ट्रेन है वो शहर में ज्यादा हैं, तो ऐसे लोगों को अगर प्राइमरी एड मिल जाए तो वो शहर में आके अपना इलाज करा सकते हैं। बट गाँव वालों को मेरी एडवाइस ये है कि गाँव वालों को एक ब्लेसिंग है कि उनका एनवायरनमेंट क्लीन है, उनके पास खाने पीने की चीजें अच्छी हैं, उनके पास
एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी बहुत है और उनका एक लाइफस्टाइल में है, उसको वो ना छोड़ के दे जस्ट ब्लाइंडली वांट टू कम टू यू नो आप अर्बन साइड में आएंगे तो फिर ये अर्बन बीमारियां होंगी। तो मेरी राय यह है कि अपनी प्रिवेंटिव हेल्थ गांव में ज़्यादा अच्छी रह सकती है अगर उनको मालूम हो कि कैसे रहना है। स्मोकिंग कम करें, एक्सरसाइज ज़्यादा करें तो यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हो तो उसके सिम्टम जल्दी एसेस करके नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएं। सर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच लोगों को काफी ज्यादा लोगों को अंतर नहीं पता होता कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे एक बीमारी अलग दूसरी बीमारी से अलग है, तो आप कैसे समझाएंगे जनता को कि कार्डियक अरेस्ट के क्या सिम्टम्स है, हार्ट अटैक के क्या सिम्टम्स है और कैसे बचे इन दोनों से? कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट रुक जाना जी। और हार्ट अटैक मतलब हाँ हार्ट बिल्कुल रुक गया जी। तो वो अगर उसको हमने 3 से 5 मिनट में रिवाइव नहीं किया तो वो परमानेंट ब्रेन डेथ की ओर ले जाता है, और फिर अगर हार्ट रिवाइव हो भी गया तो फिर मरीज कोमा में रहता है, और अगर हमने 15-20 मिनट तक रिवाइव नहीं किया तो ऐसा मरीज परमानेंटली मर जाता है। ये तो कार्डियक अरेस्ट है। जो हार्ट अटैक है उसमें क्या होता है, हार्ट में जो आर्टरी होती है जो हार्ट की मसल को सप्लाई करती है, हार्ट एक पंप है जो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है, अगर वो मसल डैमेज हो जाती है क्योंकि उसको सप्लाई नहीं जा रही है तो उतना एरिया मसल का मर जाता है और फिर वो हार्ट वीक हो जाता है या काम नहीं करता है या इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल हो जाता है कि रुक जाता है। तो हार्ट अटैक इज अ डिफरेंट थिंग कि हार्ट में खून नहीं जा रहा और मसल डेड हो रही है इसलिए, और मैक्सिमम लाइफ जो होती है मसल की जब बचाया जा सकता है वो पहले 6 घंटे होता है। अगर 6 घंटे तक वो ब्लड नहीं गया या हार्ट को फिर से ब्लड नहीं वापस किया गया तो वो हार्ट परमानेंटली उतना एरिया मर जाता है उसका, वीक हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट मीन्स कि हार्ट एकदम से चलना बंद कर दे। तो कार्डियक अरेस्ट का जो मेन इलाज है वो इमीडिएट रिससिटेशन है कि मरीज, जैसे आपने देखा पब्लिक प्लेस में भी किसी को अरेस्ट हुआ तो आपने देखा होगा लोग उसको मसाज देते हैं, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं, ऐसे करने से ही 50% मरीज बच सकते हैं। और ऐसे काफ़ी मरीज होते हैं जिनको कार्डियक अरेस्ट होता है, उनको पहले का हार्ट अटैक होता है और वो कार्डियक अरेस्ट की ओर लीड करता है। तो सर, अगर दोनों चीज़ें साथ में हो जाए कि पहले आपको हार्ट अटैक आया और फिर आप कार्डियक अरेस्ट हो गया तो कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि इंसान बच सकता है, कि उसकी डेथ हो सकती है? अगर CPR दिया जाए, जैसे हमने बताया, अगर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन दिया जाए टाइम में, इसको हम बोलते हैं विटनेस कार्डियक अरेस्ट, 5 से 6 मिनट के अंदर हाँ, किसी ने देखा और विटनेस अरेस्ट और इमीडिएटली एक्ट किया, एटलीस्ट 70% मरीज बचाए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड उसको रिससिटेट करें फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल में भेजें, एम्बुलेंस को बुलाएं, 60-70% मरीज बच सकते हैं। सर, हार्ट अटैक कहा जाता है कि 3 हार्ट अटैक आते हैं तब आदमी की डेथ होने की चांसेस होती, तो जरूरी है कि 3 हार्ट अटैक में ही डेथ होने की चांसेस हो? ये पुराना मिथ है, जब हमारे पास कोई इलाज नहीं था तभी होता था, पहला अटैक आया तो बच गए, क्या 3-3 महीने खटिया पे बैठे हुए लेटे हुए हैं, सेकेंड अटैक आया तो भगवान भरोसे हैं, और थर्ड आया तो मर ही जाएंगे। तो हम लोग छोटे थे यही सुनते थे क्योंकि कोई दवा नहीं थी। अभी ऐसा नहीं है, एक अटैक आपको 5 अटैक भी हो सकते हैं, आप बच सकते हो प्रोवाइडेड यू कम इन टाइम, और एक अटैक भी इतना खतरनाक हो सकता है कि आप बच ना पाओ। बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स इन द वर्ल्ड में 10% मरीज हार्ट अटैक के अस्पताल नहीं पहुंच पाते, इवन US में और कहीं भी, बिकॉज इमीडिएटली उसमें कार्डियक अरेस्ट होता है। तो ये मिथ गलत है कि पहला हुआ तो बच जाएंगे, दूसरा हुआ तो चांस कम है, तीसरे के बाद मरेंगे, ऐसा नहीं है। सर, नींद में भी आने के चांसेस होते हैं कार्डियक अरेस्ट? हार्ट अटैक आने के चांस बहुत होते हैं, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग नींद में। बहुत से आप लोगों ने सुना होगा कि अच्छे सोए सुबह उठे ही नहीं है तो वो सोते सोते अटैक आता है। अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है कि ब्लड काफ़ी स्टिकी होता है, बॉडी का सर्कुलेशन वीक होता है, ब्लड के सेल्स जो होते हैं वो प्लेटलेट्स जो होते हैं स्टिकी होते हैं, और उस समय ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तीनों मिला के वहाँ पे क्लॉट प्रोड्यूस करते हैं हार्ट की आर्टरीज में। तो हार्ट अटैक भी ज़्यादा आते हैं अर्ली मॉर्निंग में और स्ट्रोक भी ज़्यादा आते हैं, ब्रेन के अटैक्स जो होते हैं। सर, कुछ रेड अलर्ट्स जो आप बताना चाहें कि ये सिम्टम्स हैं और आपको इन पर ध्यान देना चाहिए, आपको उन्हें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, इन सिम्टम्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो शायद आप बच सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है, अगर मरीज को पहले कभी सीने में दर्द आए या ऐसा दर्द हो या बेचैनी हो जो हाथ में जाए, सांस लेने में दिक्कत हो, पसीना बहुत आए, सांस फूले, जो पहले कभी ना हुआ हो, तो ये एक सबसे मेजर सिम्टम हो सकता है हार्ट अटैक। सर, लेकिन सांस फूलना तो अब रेगुलर चीजों में आ गई है कि हमने तेज चला काफी देर और हमारी सांस फूलने लगी, नहीं, ये सारी चीजें एक साथ हो, और मैंने कहा सबसे पहले अब्रप्टली हो कि हम ठीक ठाक बैठे एकदम से ये शुरू हो गया, ये नहीं कि हम चले और तब हुआ, बैठे बैठे एकदम से सांस फूलने लगे, सीने में दर्द हो, पसीना आने लगे, हाथ में इधर जाने लगे, जबड़े में पेन जाने लगे,
ये हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। दूसरा, अगर किसी को ये तो हार्ट अटैक का, अगर किसी को चलने में, सीढ़ी चढ़ने में, खाना खाने के बाद सीने में दर्द आ रहा है, बैठने में ठीक हो रहा है, या चलने में सांस फूल रही है, बैठने में ठीक हो रही है, तो ये हार्ट के सिम्टम हो सकते हैं, इसको जांच कराना चाहिए। बट ये हार्ट अटैक के सिम्टम नहीं होते। हार्ट अटैक जो होता है हर वक्त एब्रप्टली आता है, अच्छा खासा आदमी है और एकदम से कोई तकलीफ होगी तो केवल यही सिम्टम्स होते जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। नहीं, सिम्टम तो बहुत सारे मैंने बताया कि सांस फूले एकदम से, पसीना आए, सीने में दर्द हो, धड़कन आए, चक्कर आए, या मरीज एकदम से। सर, कितना फ्रीक्वेंटली डॉक्टर को विजिट करना चाहिए चेकअप के लिए? किस नॉर्मल आदमी को? नॉर्मल आदमी को, और या फिर जो किसी सिम्टम्स उसको दिख रहे हैं कि हाँ ये सिम्टम्स हैं। अगर किसी को रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे घर में डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, स्मोकर है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ओबेसिटी है, ऐसे मरीजों को एक चेकअप जो है 25 से 30 साल की उम्र पे कराना चाहिए। अपने रिस्क फैक्टर्स अगर हैं तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, और हर 3 से 6 महीने पे डॉक्टर के पास जाके अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करके दवा लेनी चाहिए। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो हार्ट अटैक के बाद जो पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो उसको 1 हफ्ते बाद हम लोग बुलाते हैं, फिर 1 महीने बाद बुलाते हैं, फिर 3 से 6 महीने में एक बार उसको देखते हैं। इमरजेंसी के दौरान एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? मुझे नहीं नॉलेज है कि सामने वाले को कुछ तकलीफ हो रही, मुझे ये भी नहीं पता कि उसे कार्डियक अरेस्ट हो रहा है या हार्ट अटैक आ रहा है, तो मुझे किस क्या सोचना चाहिए, मुझे क्या कदम उठाने चाहिए उस इंसान को देखते हुए? अगर तो आपके सामने एक मरीज है जिसकी एकदम से सीने में दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है, लेकिन नब्ज आ रही है उसकी, तो उसको सबसे पहले अगर आप उसको लिटा दें और उसको एक एस्पिरिन की गोली दें, ये कंट्री कोटेड वाली एस्पिरिन जैसी गोली होती है, उसको कहें चूस ले, तो 50% चांस है अगर हार्ट अटैक होगा तो उसे मरेगा नहीं। फिर उसके बाद उसको लेटा के उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल या एम्बुलेंस को कॉल करके उनको भेजना चाहिए। अगर कोई मरीज ऐसा है जो एकदम से आपके सामने गिर गया और उसको कोई नब्ज नहीं आ रही, तो फिर उसको आपको कार्डियक मसाज देना चाहिए और फिर अपने एमरजेंसी को अलर्ट करना चाहिए। क्या ये कहना आप मिथ है ये चीजें कि अब जो उम्र दराज लोग हैं उन्हें ही हार्ट अटैक आता है, उन्हें ही कार्डियक अरेस्ट होता है, अब ये किसी को भी हो सकता है? किसी को भी हो सकता है। यंगेस्ट जो मेरा मरीज है जिसको यंगेस्ट हुआ, वो 17 साल की लड़की है जिसको हार्ट अटैक हुआ, जिसको एंजियोप्लास्टी हमने करी, और ये किसी को भी हो सकता है कि उम्र, और 20 से 30 साल की उम्र में तो एटलीस्ट हम लोग हर महीने 4-5 मरीज देखते हैं। तो ये अब कोई ये नहीं है कि पहले होता था कि 40 से कम हार्ट अटैक नहीं होता, 40 के बाद होता है, लेडीज में मेनोपॉज के पहले नहीं होता, उसके बाद होता है, हाँ ज्यादा उसके बाद होता है, लेकिन किसी भी उम्र पे हार्ट अटैक हो सकता है। इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अगर सस्पिशन हो तो बड़ा एग्रेसिवली इसको ट्रीट करना चाहिए। सर, एक डॉक्टर और पेशेंट का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, कितना एक पेशेंट को ओपन होना चाहिए अपने डॉक्टर से ताकि वो उसकी सारी बातों को समझ सके? पेशेंट को तो 100% अपने डॉक्टर से ओपन होना चाहिए, और डॉक्टर को भी एक फर्ज बनता है कि पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको सीक्रेसी उसकी मेंटेन करना, ये नहीं कि एक पेशेंट की चीज दूसरे को बता दी। बट डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, जैसे टीचर और टॉट का होता है, मदर और बच्चे का होता है, उसी लेवल पे अगर रिलेशनशिप है तभी डॉक्टर सारी चीजें समझ सकता है, पूरी फैमिली को ट्रीट कर सकता है और मरीज को सही एडवाइस दे सकता है। अगर किसी का हार्ट ब्लॉक हो जाता है तो क्या ट्रीटमेंट है उस चीज, उन सब चीजों? अगर किसी के हार्ट की आर्टरी में ब्लॉक है जिससे, तो उससे क्या होता है कि हार्ट की मसल में खून नहीं जाता, जिससे कि उसको चलने में सीने में दर्द आता है या सांस फूलती है, और आगे अगर इसको नहीं ट्रीट किया गया तो हार्ट अटैक आता है। अगर ऐसे ही ब्लॉक में सडनली क्लॉट, ब्लड का क्लॉट फंस जाए या बन जाए तो हार्ट अटैक आता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर सिम्टम हो तो मरीज को हम नॉर्मली एडवाइस करते हैं कि डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर नॉर्मली कुछ टेस्ट करता है जिसको हम स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं। स्ट्रेस टेस्ट मतलब अगर हार्ट अटैक नहीं है तो नॉर्मल ECG लेता है बैठा के, और फिर उसको चला के 9 मिनट 10 मिनट चला के ECG लेते रहते हैं। तो अगर ब्लॉक है तो जब हार्ट की डिमांड बढ़ेगी ब्लड सप्लाई के लिए और वो मीट नहीं हो पाएगी क्योंकि ब्लॉक है, तो ECG में चेंजेस आते हैं, इसको हम ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, या इसी को हम इको के साथ कंबाइन कर सकते हैं तो उसको स्ट्रेस इको बोलते हैं, या इसमें हम न्यूक्लियर एक आइसोटोप दे सकते हैं और स्कैन करते हैं तो स्ट्रेस थैलियम उसको बोलते हैं। अगर उनमें ब्लॉक्स आता है तो नेक्स्ट स्टेप हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, आप अपनी एंजियोग्राफी कराओ। तो एंजियोग्राफी में क्या होता है कि हम हार्ट की आर्टरी में एक डाई डालते हैं और
वो डाई ब्लड में मिक्स हो जाती है और वो जब फ्लो करती है हार्ट की आर्टरीज के थ्रू, और एक कैमरा होता है एक्सरे वाला जो कि उसको देखता है कि ब्लड फ्लो कैसे जा रहा है, उसको रिकॉर्ड करता है, जहाँ ब्लॉक होता है वो दिखता है, तो उसको एंजियोग्राफी कहते हैं। और अगर वो ब्लॉक्स क्रिटिकल हैं तो हम उसी को ब्लॉक को खोलते हैं बिना ऑपरेशन के, वहाँ पे एक वायर डाल के ब्लॉक के थ्रू उसको बलून से डायलेट करते हैं और रास्ता खोलते हैं, जैसे कि एक टनल बनाते हैं, सुरंग खोदते हैं, उस टाइप से हम उसको रास्ता बनाते हैं, खोलते हैं। फिर जैसे उसके बाद हम सुरंग बना के एक स्केफोल्ड डाल देते हैं कि ढह ना जाए, वैसे एक हम स्टैंड डाल देते हैं कि वो स्टैंड उसको कोलैप्स करने से रोके। ऐसे करने से 90-95% पेशेंट्स को बिना ऑपरेशन के हम ट्रीट कर सकते हैं, जिनमें ये चीज़ नहीं पॉसिबल होती है टेक्निकली, या ब्लॉकेजेस बहुत लंबे होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, उन केस में हम एडवाइस करते हैं कि बाईपास हो। बाईपास में क्या करते हैं, हम पैर से एक नस निकालते हैं या हाथ से नस निकालते हैं या सीने के पीछे से, और जैसे एक रोड ब्लॉक होता है कि यहाँ से यहाँ रास्ता बंद है, आपने एक बगल से रास्ता खोल दिया जो आगे जाके आगे उसके आगे चले गए जहाँ पे ब्लॉक था, वही वैसे ही बाईपास हम हार्ट में करते हैं कि यहाँ की नस को निकालते हैं, उसका एक एंड हम मेन आर्टरी जो होती है ओटा वहाँ लगाते हैं, दूसरा एंड ब्लॉक के आगे लगाते हैं, तो हार्ट को नई सप्लाई मिलने लगती है मसल को। ये बाईपास सर्जरी का प्रिंसिपल है। तो ये करने से 80-90% लोग को मतलब ये एंजाइना ठीक हो सकता है और उनकी जान बच सकती है। इसके अलावा आजकल इतनी अच्छी दवाएं आ गई हैं जो कि अगर स्टेबल हार्ट डिजीज है तो उन दवाओं से हम बॉडी को और हार्ट को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि ब्लॉकेजेस थोड़े छोटे हो जाएं, जितनी हार्ट को ब्लड सप्लाई चाहिए वो मीट हो जाए और आगे बाईपास की और एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत ना हो। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं और ये एक आज बहुत कॉमन चीज़ हो गई है, और इसकी वजह से बहुत से मरीज जिनको हार्ट अटैक होता या जिनकी लाइफ क्रिपल हो जाती है आज वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सर, हार्ट अटैक के बाद की लाइफ कैसे हो जाती है, कितने बदलाव आ जाते हैं कि एक इंसान को हार्ट अटैक आया उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं? देखो, अगर हार्ट अटैक किसी को हुआ और इमीडिएटली हॉस्पिटल आ गया और उस समय रहते मतलब आधे एक घंटे दो घंटे के अंदर उसकी आर्टरी खोल दी गई तो मसल डैमेज बहुत कम होता है या नहीं होता है, और ऐसा मरीज फिर हार्ट अटैक के बाद एंजियोप्लास्टी के बाद बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है डेफिनेटली एक दो दवा के साथ। तो एक तो ये है, अगर आप जल्दी आ गए और डैमेज नहीं हुआ और आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल नॉर्मल होगी किसी भी परहेज के बिना। नहीं, परहेज तो होंगे, परहेज वही होंगे जो नॉर्मल आदमी को करने चाहिए, कि स्मोकिंग नहीं करनी होगी, कोलेस्ट्रॉल अपना कम सही रखना होगा, डायबिटीज है तो कंट्रोल करना होगा, ये सारी चीजें तो सबको करनी होगी, इस कोई एडिशनल लाइफस्टाइल का इनहिबिशन नहीं है। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ और वो 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के बाद आया और मसल डैमेज हो गई है तो उस स्टेज में उसका हार्ट वीक हो जाता है, और जब हार्ट वीक हो जाता है तो हम कुछ दवाएं देते हैं कि हार्ट पे स्ट्रेन कम हो, हार्ट फैले नहीं, कुछ हम ऐसी मरीज को बताते हैं कि जरूरत इतनी एक्टिविटी उसको अलाउड है, और धीरे धीरे उसको हम एक रिहैबिलिटेशन करते हैं उस एक्टिविटी तक पहुंचना, और धीरे धीरे उसकी एक्सरसाइज ट्रेनिंग कराते हैं कि कम ऑक्सीजन में नॉर्मल से या नॉर्मल तक कितना काम कर सकता है, धीरे धीरे बढ़वाते हैं। बट ऐसा आदमी जरूर ऐसा काम नहीं कर सकता जिसका हार्ट जैसे कि एक अनडैमेज हार्ट वाला काम करे, वो ऐसा नहीं है कि वो मैराथन दौड़ जाएगा या उसको हम उतना अलाउ करेंगे। और ऐसे कुछ मरीज होते हैं जिनका हार्ट इतना वीक हो जाता है कि वो बिल्कुल इतना समझ लो आप बाथरूम तक ही जा सकते हैं, अपना डे टू डे काम भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे मरीजों को फिर हम कुछ ऐसी डिवाइसेस लगाते हैं, कार्डिक रिहैबिलिटेशन करते हैं कि जिसमें कि हार्ट में वो अपना काम कर ले, इतना उसको हम कैपेबल बना पाए। तो इन सब चीज़ों का क्रक्स यही है कि अगर हार्ट अटैक हुआ है और आप जल्दी से जल्दी समय पर ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आर्टरी खुलवा सकते हैं अपनी हार्ट की, तो आपकी लाइफस्टाइल नॉर्मल रहेगी। अगर वो लेट होता जाएगा तो लाइफस्टाइल आपकी और ख़राब होती जाएगी इवन आफ्टर ओपनिंग द वेसल, और 6 घंटे के बाद तो हार्ट का वेसल परमानेंटली डैमेज हो जाता है। सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, अगर इंसान को एक बार हार्ट अटैक आ गया तो जरूरी है उसको नेक्स्ट टाइम हार्ट अटैक आए, या फिर एक बार में ही चीजें हमने डॉक्टर को दिखा लिया और हम सही हो गए? जरूरी नहीं है, अगर हार्ट अटैक आ गया, समय रहते उसका इलाज हो गया, आर्टरी खोल दी गई और रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर लिया गया, तो 80-90% चांस है उसने लाइफ स्टाइल चेंज करी कि फिर से हार्ट अटैक नहीं आएगा। हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज हमने बात करी कि हृदय संबंधी बीमारियों से खुद को कैसे दूर रखा जाए। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे पे करेंगे बात, तब तक के लिए आप देखते रहें हिंदी खबर। नमस्कार।
घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।